डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेट के क्वेश्चन में पेपर पावर साइकिल टॉपिक के अंतर्गत में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, इन ए स्टीम पावर प्लांट सुपर हीटेड स्टीम एट 10 मेगा पास्कल एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्सपांडेड आइसेंट्रोपिकली इन ए टर्बाइन अंटिल इट बिकम्स अ सैचुरेटेड वेपर। It is then reheated at a constant pressure to 500 degree centigrade. The steam is next expanded isentropically in another turbine until it reaches the condenser pressure of 20 kilopascal. Relevant properties of the steam are the given in the following two table. And the work done by the both turbine together, कितनी वैल्यू होगी ये अपने को यहाँ पे निकालना है। दो टर्बाइन लगी हुई है, जैसा कि हमें पता है रीहीटिंग करते हैं तब उस टाइम पे दो टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और रैंकाइन साइकिल यूज कर रहे हैं तो रैंकाइन साइकिल में यदि रीहीटिंग करेंगे तो लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपांशन होगा पहले, फिर उसके बाद हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पे जो सुपर हीटेड स्टीम टेबल की प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रेशर पे 10 bar पे टेम्परेचर दिया है 500 डिग्री, एंथालपी दी है 3373.6, ये सुपर हीटेड स्टीम की एंथालपी है। फिर एंट्रोपी की वैल्यू दी है 6.5965, ये वैल्यू दी हुई है एंट्रोपी की 10 bar पे मेगा पास्कल पे। इसी तरीके से 1 MPa जब हमने लो प्रेशर टरबाइन में स्टीम को एक्सपांड किया तो 1 bar पे 1 MPa पे हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कितनी वैल्यू दी है, तो वहां पे भी 500 डिग्री टेम्परेचर था। फिर 3478.4 किलो जूल पर केजी ये वैल्यू दी हुई है, और एंट्रोपी की वैल्यू 7.7621 दी हुई है। इसी तरीके से सैचुरेटेड स्टीम टेबल की यदि बात करें तो 1 MPa प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर है वो 179.91 डिग्री सेंटीग्रेड है, और HF, HG, SF और SG की वैल्यू दी हुई है जो कि हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो एंथैल्पी ऑफ फ्लूड, एंथैल्पी ऑफ वेपर, एंट्रोपी ऑफ फ्लूड एंड द एंट्रोपी ऑफ वेपर, ये सारी वैल्यू 1 MPa पे दी है। इसी तरीके से 20 MPa पे टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है 60.06। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ HF, HG, SF, SG की वैल्यू भी दी हुई है जो कि हमें यहाँ पे अभी यूज करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम यहाँ पे TH डायग्राम में देख रहे हैं, 1 to 2 जो है लो प्रेशर एक्सपांशन टरबाइन हो रहा है, और फिर 2 to 3 रीहीटिंग हो रही है, 3 to 4 जो है हाई प्रेशर एक्सपांशन ये बड़ी वाली टरबाइन में हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखने लायक है कि हमारे पास सबसे पहले एंट्रोपी का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बेस पर ड्राइनेस निकालेंगे जो कि आपको 4 point पे दिख रही है। यहाँ पे 4 point पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू <1 है, उसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि एक्सपांशन 3 to 4 हो रहा है, यहाँ पे डेटा गिवन भी और उसके साथ साथ में हम कैलकुलेशन भी करेंगे। तो डेटा गिवन में एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। साथ ही साथ में हमारे पास जो एंट्रोपी है एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 4। तो 3 पे जो एंट्रोपी है वो सुपर हीटेड है, और 4 पे जो एंट्रोपी मिल रही है स्टीम की वो सैचुरेटेड कंडीशन की, मतलब कि अंडर सैचुरेटेड कंडीशन की है, जहां पे कि स्टीम वेट कंडीशन हो रही है। तो 4 पॉइंट पे एंट्रोपी इज इक्वल टू 3 पॉइंट पे एंट्रोपी इज इक्वल टू SF प्लस X SG माइनस ऑफ SF, ये इसका फार्मूला रहेगा, इस फार्मूले को यूज करना है। तो जो S4 इज इक्वल टू S3 है, इस पॉइंट पे एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है 7.7621 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, और यहाँ पे एंट्रोपी की जो वैल्यू दी हुई है जो कि हम एक्सपांड कर रहे थे 4 पॉइंट पे, तो 0.8319 ये हमारी दी है एंट्रोपी ऑफ फ्लूड अपने 4 पॉइंट पे प्लस एक्स, फिर इन द ब्रैकेट 7.9085 ये सेचुरेटेड एंट्रोपी दी हुई है हमारे 4 पॉइंट पे 0.8319 ये फ्लूड की एंट्रोपी दी हुई है। यहां से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.9793। ड्राइनेस फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए इसको ऐसे ही पुट करेंगे। इसके बाद H4 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास फार्मूला है HF प्लस X HG माइनस ऑफ HF, इसका फार्मूला लगा के हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फ्लूड जो दी हुई है 4 पॉइंट पे वो 251.38, ये हम सिर्फ टेबल से देख रहे हैं, वहीं से वैल्यू को निकाल के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई HG 2609.7 माइनस ऑफ
एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड 251.38, जैसा कि हम स्टीम टेबल में देख पा रहे हैं। तो स्टीम टेबल हमारे दी हुई है यहाँ पे, ये क्वेश्चन स्टीम टेबल दी रहती है, हमें स्टीम टेबल अलाउ नहीं रहती है एग्जाम में वहां पे, तो उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किलो जूल पर केजी में आई 2560.91। अब टरबाइन वर्क निकालना है दोनों का, तो WT1 जो रहेगा लो प्रेशर टरबाइन का वर्क डन, प्लस WT2 जो रहेगा ये हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क डन। तो WT1 का मतलब है एंथैल्पी 8.1 माइनस ऑफ एंथैल्पी 8.2, प्लस WT का मतलब है H3 माइनस ऑफ H4। इन सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो जो H1 की वैल्यू है वो दी हुई है 3373.6 माइनस ऑफ 2778.1, प्लस जो H3 की वैल्यू है वो भी दी हुई है 3478.4 माइनस ऑफ 2560.91, ये वैल्यू दी हुई है। तो इससे हम निकाल सकते हैं टोटल टरबाइन वर्क, तो टोटल टरबाइन वर्क यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारा 1512.98 किलो जूल पर केजी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि चार विकल्प में से एक है।